हरियाणा एट 9 PM न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। आइए आपको कराते हैं खबरों से अपडेट। खरखोदा रोहतक मार्ग पर स्थित बिरला इंटरनेशनल स्कूल एकेडमी में NDA कोचिंग क्लासेस शुरू की गई हैं, जिसमें सेना से रिटायर्ड वरिष्ठ अधिकारी छात्रों को NDA संबंधी शिक्षा देंगे और साथ ही बताएंगे कि SSB इंटरव्यू कैसे फेस करना चाहिए, उसके लिए कैसे तैयारी करें। डायरेक्टर कुलदीप पहलवान ने बताया है कि इस तरह का पहला सेंट्रल में स्थापित किया है। आप बता रहे थे NDA के बारे में कुछ। हाँ, मैं ये बताना चाह रहा था कि इस इलाके में एजुकेशन का स्तर पहले कम था। हमारे यहाँ से जो बच्चे कुछ डॉक्टर बनते हैं, कुछ इंजीनियर बनते थे, कुछ बच्चे NDA में जाना चाहते हैं, उनका कोचिंग का यहाँ कोई भी स्थान नहीं था, वो दिल्ली में जाना पड़ता था। तो हमने निर्णय लिया कि यहाँ इलाके के अंदर NDA की कोचिंग के लिए भी हम सेंटर बनाए। तो हमने NDA की तैयारी के लिए यहाँ सेंटर स्टार्ट कर दिया है। जो इलाके के बच्चे NDA में सेवाएं देना चाहते हैं या डॉक्टर बनना चाहते हैं, यहाँ PMT की भी तैयारी कराते हैं और NDA की भी तैयारी कराने के लिए हमने अभी ये सेंटर बना दिया है। जो बच्चे NDA में जाना चाहें वो यहाँ अपना तीनों सेनाओं में जो अपनी सेवाएं देना चाहें वो यहाँ अच्छे अपनी कोचिंग ले सकते हैं। अवैध रूप से किया जाने वाला किसी भी प्रकार का आवासीय, व्यावसायिक व औद्योगिक निर्माण स्वीकार्य नहीं है। उपायुक्त, अवैध निर्माणों को ध्वस्त करने संबंधी कार्रवाई करें तुरंत। ललित सिवाच, तकनीकी अड़चन होने पर अवैध निर्माण को करें सील, लगाई जाए रोक। सभी SDM अवैध निर्माणों की CLU, NOC लाइसेंसिंग की करें जांच। जिला टास्क फोर्स समिति की बैठक में उपायुक्त ने अवैध निर्माणों पर जताई कड़ी नाराजगी। लोकवी स्वर्गीय निहाल चंद के चित्र को आकाशवाणी केंद्र रोहतक में मिली जगह। अपने समय के प्रसिद्ध सांगी व क्रांतिकारी लोकवी स्वर्गीय निहाल चंद के चित्र को आकाशवाणी केंद्र रोहतक में जगह दी गई है, जिस पर ब्रह्म शक्ति वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय थाना कला में लड्डू बांटकर खुशी मनाई गई। इस अवसर पर प्राचार्य रामवीर सिंह ने आकाशवाणी केंद्र रोहतक के निदेशक सतीश वत्स, डॉक्टर पूर्णचंद शर्मा, संपूर्ण सिंह व चेयरमैन ओम प्रकाश रांग का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि आज प्रसिद्ध सांगी व क्रांतिकारी लोकवी स्वर्गीय निहाल चंद के चित्र को आकाशवाणी केंद्र में स्थापित कर हरियाणवी संस्कृति को सहेजने का काम किया गया है। प्राचार्य ने कहा है कि दादा निहाल चंद अपने समय के प्रसिद्ध सांगी एवं क्रांतिकारी लोकवि थे। इनको निहाल के नाम से भी जाना जाता है। इन्होंने अपने समस्त काव्य की रचना हरियाणवी भाषा में की। वह एक क्रांतिकारी लोकवि थे और अपने सांगों के माध्यम से अपनी राष्ट्र प्रेम से संबंधी रचनाओं द्वारा लोगों को स्वतंत्रता संग्राम में सम्मिलित होने का आह्वान करते रहते। किसान आंदोलन सिंघू बॉर्डर से पहले ही रूट डाइवर्ट, वाहन चालकों की सुविधा के लिए रूटों को किया गया डाइवर्ट। किसानों के सिंघू बॉर्डर धरने के कारण राष्ट्रीय राजमार्ग 44 अवरुद्ध हो गया है, जिसके मद्देनजर लगातार पुलिस प्रशासन द्वारा एडवाइजरी जारी की जा रही है। इस संबंध में विस्तृत जानकारी देते हुए पुलिस अधीक्षक जशनदीप सिंह रंधावा ने बताया कि राष्ट्रीय राजमार्ग 44 पर जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब व चंडीगढ़ से आने वाले भारी वाहन दिल्ली व गुरुग्राम जाने के लिए सोनीपत की अपेक्षा पानीपत से राष्ट्रीय राजमार्ग 71A के जरिए गोहाना, रोहतक सापला से होते हुए आसुदा से KMP पर प्रवेश कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब व चंडीगढ़ से आने वाले हल्के वाहन दिल्ली व गुरुग्राम जाने के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग 44 का प्रयोग करते हुए सोनीपत सितराई से KMP का प्रयोग करते हुए बादली, फरुखनगर व मानेसर के रास्ते का प्रयोग कर सकते हैं। इसके अलावा बागपत, खेकड़ा, लोनी बॉर्डर से होते हुए दिल्ली जा सकते हैं। इसके अतिरिक्त सोनीपत से दिल्ली जाने वाले वाहन चालक लामपुर, सफियाबाद व दशहरा से होते हुए दिल्ली जा सकते हैं। अंतर्राज्यीय वाहन चोर गिरोह के शातिर बदमाश को चोरी की इको वैन व अवैध हथियारों सहित सोनीपत पुलिस ने किया गिरफ्तार। हत्या का प्रयास, मुठभेड़ व 40 से अधिक वाहन चोरी करने की घटनाओं का किया खुलासा। चोरी की गई 7 वाहन बरामद, न्यायालय में पेश कर लिया। पुलिस रिमांड पर, मामले की जांच जारी। रिमांड अवधि के दौरान बैंक लूट की वारदात में संलिप्त आरोपियों से घटना में प्रयुक्त तेजधार हथियार व लूटी हुई नकदी के 7,75,000 रुपए बरामद, न्यायालय में पेश कर भेजा जेल। जिले के CIA 2 स्टाफ सोनीपत की पुलिस ने रिमांड अवधि के दौरान बैंक लूट की घटना में संलिप्त आरोपियों दीपक व सुभाष उर्फ गोल्डी निवासी पांची जाटान जिला सोनीपत से घटना में प्रयुक्त तेज धार हथियार व लूटी गई नकदी को बरामद करने में सफलता प्राप्त की है। 9 जुलाई को हथियार के बल पर मारपीट कर लगभग 9,00,000 रुपए की नकदी छीनकर ले गई। इस घटना का उक्त बैंक मैनेजर रोमा राव के बयान पर मामला दर्ज किया गया था।
हत्या प्रयास की घटना में संलिप्त मुख्य आरोपी को किया गिरफ्तार। न्यायालय में पेश कर लिया पुलिस रिमांड पर, मामले की जांच में जुटी पुलिस। एसपी जश्नदीप सिंह रंधावा ने बताया कि 8 फरवरी को सागर निवासी सेक्टर 23 सोनीपत के थाना शहर सोनीपत में शिकायत दी थी कि सुनील निवासी ककरोई व सौरभ निवासी रोहट ने चंद्र गार्डन गोहाना रोड के सामने मुझे जान से मारने की नीयत से चाकू मारकर घायल किया है। इस मामले के मुख्य आरोपी सुनील निवासी ककरोई को गिरफ्तार कर लिया गया है। लॉकडाउन के चलते सोनीपत पुलिस द्वारा लगातार की जा रही अपील, कोरोना वायरस के संक्रमण को फैलने से बचाने के लिए सोनीपत पुलिस ने चलाया विशेष अभियान। बिना मास्क होने वाले 53 व्यक्तियों व 176 वाहन चालकों के किए चालान, 7 वाहनों को किया जब्त। महाराष्ट्र के जलगांव में हेलीकॉप्टर क्रैश हादसे में 1 की मौत, महिला पायलट गंभीर। राहुल का कांग्रेस नेताओं को मैसेज, जो बीजेपी से डर रहे हैं उनकी जरूरत नहीं, वे पार्टी छोड़ दें। ऐसे आ रही है तीसरी लहर, 11 दिन से ब्रिटेन अमेरिका में 36 से 56 हज़ार कोरोना संक्रमित मिल रहे। भारत और पाकिस्तान T20 वर्ल्ड कप के एक ही ग्रुप में, टूर्नामेंट अक्टूबर नवंबर में होगा। टी सीरीज के मालिक भूषण कुमार रेप के केस में फंसे, काम देने के बहाने 3 साल तक ज्यादती का आरोप। अफगानिस्तान में भारतीय फोटो जर्नलिस्ट की हत्या, हिंसाग्रस्त कंधार में कर रहे थे कवरेज। लगातार खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। समाचार व विज्ञापन के लिए नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें।